जम्मू कश्मीर दे विच वैष्णो देवी मंदिर दे परिसर दे विच मची भगदड़ मगरों यात्रा मुड़ शुरू। भगदड़ दे विच 12 श्रद्धालुओं की जान गई, 15 जख्मी हुए। हादसे की जांच लई सरकार दे वल्लों 3 मैंबरी उच्च पदरी कमेटी गठित, मृतकों दे विच पंजाब हरियाणा दिल्ली ते जम्मू कश्मीर के लोग शामिल। पीएम मोदी ने हादसे के दुख प्रगटाया, केंद्र के वलों मृतकों के वारसों को 2 लाख के मुआवजे का ऐलान। जख्मियों को 50,000 रुपए की मिलेगी आर्थिक सहायता, जम्मू कश्मीर सरकार वलों भी मृतकों के वारसों को 10-10 लाख के मुआवजे का ऐलान। जख्मी श्रद्धालुओं मिलेगा 2 लाख रुपए का मुआवजा, नवे साल मौके वड्डी गिणती दे विच पहुंचे सन श्रद्धालु। रात 2:15 बजे के करीब गेट नंबर 3 के नेड़े वापरिया हादसा। जम्मू के कटड़ा दे विच माता वैष्णो देवी मंदिर विच हादसे दे अकाली दल प्रधान सुखबीर सिंह बादल वालों दुख जाहिर किया गया। हादसे दे विच मृतकों के परिवारों के नाल प्रगटाई गई हमदर्दी, जख्मी श्रद्धालुओं के जल्द ठीक होने की कामना की गई। पीएम मोदी ने पंजाब दौरे के संबंध में किसानों का वड्डा ऐलान, कहा 5 जनवरी को फिरोजपुर में नहीं होने देंगे मोदी की रैली। 2 जनवरी को किसान पिंडों के साड़नगे प्रधानमंत्री के पुतले, 23 फसलों की खरीद गारंटी से कानून बनाने की मांग। क्या 6 रहिंदियां मंगां नूं वी फौरन किया जाए लागू, 8 जनवरी तो मंत्रियों ते विधायकों के घर के लगाउणगे धरने। भाजपा आगू मनजिंदर सिंह सिरसा का वड्डा यूटर्न, दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान अहुदे तो अस्तीफा वापस लिया। भाजपा के शामिल होने से पहले दिता सी प्रधानगी तो अस्तीफा, विरोधियों ने भाजपा उत्ते लगाए सिखां दे अंदरूनी मामलों में दखल देने दे इल्जाम। मनजिंदर सिंह सिरसा वालों अस्तीफा वापस ले जाण उत्ते DSGMC दे जनरल सकत्तर हरमीत सिंह कालका ने कहा कि मनजिंदर सिंह ने खेडी है चाल। हरमीत सिंह कालका ने भाजपा उत्ते निशाना साध्या होया कहा असीं भाजपा की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करांगे। सिरसा के वलों DSGMC के प्रधान अहुदे तो अस्तीफा वापस लैण उत्ते श्रोमणी अकाली दल का तिखा प्रतिक्रम, मुड़ तो दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी का प्रधान बनने की कार्रवाई में दसिया अनैतिक। बलविंदर सिंह पूदड़ ने कहा सिख पंथ किसी भी कीमत उत्ते सिरसा नूं नहीं करेगा बर्दाश्त, भाजपा के कहण उत्ते मनजिंदर सिंह सिरसा ने अस्तीफा वापस लिया। प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने कहा भाजपा के वलों दिल्ली कमेटी उत्ते कंट्रोल करन दा यतन, सिख कौम के मामलों के सीधा दखल। डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ने कहा सिरसा वर्गे बंदियां दे राहीं दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी की मैनेजमेंट उत्ते कंट्रोल करन दे अजिहे यतन तुरंत बंद करे भाजपा, अजिहे हरकतां करके भाजपा सिख कौम तों टुट जाएगी। लुधियाणा दे विच पेरेंट्स एसोसीएशन ने अपनियां विरोध दा दिखा अनोखा तरीका कढ़िया, DC दफ्तर दे विच DEO नूं सन्मानित करन दे बहाने गले दे विच पाए जुत्तियां दे हार। DEO ने स्थानक थाने दे विच दर्ज करवाई एसोसीएशन दे प्रधान खिलाफ शिकायत, सरकारी स्कूल दे विच बच्ची नाल होए कथित उत्पीड़न दे केस विच कार्रवाई ना होण तों नाराज सन मापे। श्री दरबार साहब के हुई बेअदबी की घटना उत्ते हुण तक कार्रवाई ना होण ते सुखबीर सिंह बादल ने कहा कोई कार्रवाई ना होना सिख भाईचारे लई पंथक इकट्ठ करेगा। सुखबीर सिंह बादल ने कहा 2 जनवरी को श्री दरबार साहब के मंजी साहब दीवान हाल के पंथक इकट्ठ किया जाएगा। अकाली दल बसपा उम्मीदवार पवन टीनू के आगे प्रचार करने के लिए पहुंचे हरसिमरत कौर बादल। हरसिमरत कौर बादल ने भरवीं रैली के लोगों किया अकाली दल को स्पष्ट बहुमत दे के सरकार बनाउण दी अपील। हरसिमरत कौर बादल ने कहा स्पष्ट बहुमत ना मिलने से राष्ट्रपति शासन का पैदा होगा खतरा।
सिमरत कौर बादल मुताबिक कांग्रेस के विधायकों से लाए कैप्टन नाल झूठी सहुं विच भागीदार बन के बेइज्जती करन दे इल्जाम। भारतीय किसान यूनियन लखोवाल ने कहा कि ना ही चोणा लड़ांगे तो ना ही किसी पार्टी की हिमायत करांगे। यूनियन प्रधान अजमेर सिंह लखोवाल ने कहा साडा मोर्चा हले अधूरा है, किसानों के बहुते मसले हल नहीं हुए तो संयुक्त किसान मोर्चे मुताबिक चोणा तो रहांगे। लुधियाणा पंथ मख नूं लैके अकाली दल दा कांग्रेस उत्ते वड्डा इल्जाम, महेश इंदर गरेवाल ने कहा मंत्रियों के वखो वख बयान वड्डी साजिश वल कर रहे ने इशारा। महेश इंदर गरेवाल ने कहा आयोग डीजीपी की नियुक्ति जायज ठहराने लई अपनाए जा रहे ने अजिहे हथकंडे। जलंधर के मंदिर में हुई बेअदबी की घटना वाली थान का सुखबीर सिंह बादल ने लिया जायजा, घटना के दुख का प्रगटावा किया, सरकार के सुरक्षा प्रबंधों उत्ते सवाल भी चुके। सुखबीर सिंह बादल ने कहा कांग्रेस के राज अंदर कोई भी धार्मिक स्थान नहीं सुरक्षित, बेअदबी करने वाले दोषियों को सख्त सजा देवे सरकार। कॉन्ट्रैक्ट मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर से किसानों के वालों टोल प्लाजा कथू नंगल किया गया बंद। फार्मेसी अफसर एसोसिएशन रूरल हेल्थ फार्मेसी के वालों पंजाब सरकार को दी गई चेतावनी, कहा कि साडियां मंगा ना मिलिया तो संघर्ष करांगे। संगरूर सिविल अस्पताल के एनएचएम मुलाजमान ने पक्की नौकरी की मांग लेके पंजाब सरकार खिलाफ किया रोस प्रदर्शन। नेशनल हेल्थ मिशन फतेहगढ़ साहब के कर्मचारियों ने अपनी हकी मंगा लेके पंजाब सरकार खिलाफ किया रोस मुजहरा। संगरूर के खाली पामियां लेके पंजाब स्कूल लाइब्रेरियंस टेस्ट पास बेरोजगार यूनियन के वालों अपनी मंगों को लेकर पंजाब सरकार के खिलाफ किया गया धरना। होशियारपुर के फोकल पॉइंट के एफ सी आई के दफ्तर के बाहर ट्रक ड्राइवरों वालों एफ सी आई के डीएम से मुलाजमान से रिश्वत लैंड के इल्जाम लगाए गए। बटाला पुलिस अधीन पैंदे कस्बा घुमाण में पैसों के लैंड देन को लेकर 22 साल नौजवान का किया गया कतल, कातल मौके तो फरार है। संगरूर के भवानीगढ़ के होया दर्दनाल हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने शख्स को कुचलिया, शख्स की मौके पर ही मौत हो गई।